नमस्कार दोस्तों, कोरोना का टीका कैसे लगाया जाएगा उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। cowin.gov.in पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आपका वैक्सीनेशन होगा। आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वैक्सीनेशन सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे आ जाएं और वहाँ पे टाइप करें cowin.gov.in। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे इसमें आ रहा है, सिंपली इस पे आपको जाना है। अब आप होम पेज पे पहुंच गए हैं cowin.gov.in के। यहाँ पे एक आपको येलो कलर का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्टर ऑब्लिक साइन इन योर सेल्फ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको इसमें डालना है। जैसे कि हमारा एक OTP आ गया है, OTP आप डाल देंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें OTP डालने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, इसलिए दोबारा से रीसेंट OTP हमें करना पड़ेगा। दोबारा से हमें OTP डालना पड़ेगा। दोबारा से हमने OTP डाल दिया है, नया OTP, और उसको वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आपका अकाउंट बन गया है, इसमें आपको लिख के आ रहा है वेलकम, यू कैन रजिस्टर फोर में विद वन मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर के साथ में आप चार मेंबर ऐड कर सकते हैं, आपके जो भी फ्रेंड हैं या फैमिली मेंबर हैं। यहाँ पे सिंपली आपको रजिस्टर मेंबर पे क्लिक करना है। रजिस्टर मेंबर पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो ID प्रूफ, कौन सा फ़ोटो ID प्रूफ आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, जो कि मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ। आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में
आपको अपना नाम जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो डालना है। अपना नाम डाल देंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर, जो आपका ईयर है, जिस साल में आपका जन्म हुआ है, वो साल आपको यहाँ पे डालना है। बस इतना करते ही आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लू कलर का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब इसमें आपका लिख के आ गया है कि आपका रजिस्टर हो गया है। यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट आप इस तरह से लेंगे, यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, शेड्यूल पे बुक अपॉइंटमेंट फॉर डोज फर्स्ट, सर्च बाय पिन, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। तो जैसा कि आपको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्च करके दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। लखनऊ में कौन कौन से सेंटर हैं जहाँ पे वैक्सीन लग रही है। हमें यहाँ पे देखना है कि 18 प्लस के लोगों को कहाँ पे वैक्सीन लगेगी, कौन से हॉस्पिटल में लगेगी। तो 18 प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको केवल वही हॉस्पिटल के नेम दिखाई पड़ेंगे जहाँ पे 18 प्लस वाले लोगों को वैक्सीन लगेगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये है यूपीएससी नाका, 18 to 44, 18 to 44 ईयर के लोगों के लिए है। लेकिन सारे वैक्सीनेशन सेंटर आपको दिख रहे होंगे बुक, कोई भी सेंटर खाली नहीं है। तो दोस्तों, किस तरह से आप बुक करेंगे, कैसे स्लॉट आपको खाली मिलेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, और स्लॉट खाली होगी तो उसका अलर्ट आपको कैसे मिलेगा, ये भी हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएँगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।